सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरे पास यहाँ पे एक गुजिया का रेसिपी पड़ा हुआ था जो मैंने दिवाली पे बनाई थी। सो मैंने सोचा आज उसे शेयर कर देती हूँ। मैंने घी में थोड़े से सूजी को भून लिया था और उसके बाद फिर एक स्पून घी डालकर उसमें सारे कटे हुए मेवे डाल दिए थे, काजू, किशमिश, बादाम, सारे डालकर उसे भून लिया था। और ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बहुत हल्के से इसे फ्राई करके मैंने इसे भी निकाल लिया था। उसके बाद मैं इसमें जो खोआ होता है ना, खोआ को भूनूंगी। हमारे यहाँ तो खोआ मिल जाता है तो मैंने बाज़ार से ही लिया हुआ था, और वैसे भी कभी खोआ नहीं मिलता है तो मैं घर पे भी बना लेती हूँ, लेकिन इस बार खोआ मिल गया था सो मैं मार्केट के खोए से ही बना रही थी। तो यहाँ पे ना खोए को थोड़ा भून लेते हैं। सो मैंने इसे हल्की गुलाबी होने तक धीमी आंच पे भून लिया था। भून कर जो सूजी और मेवे के बर्तन है ना, उसको भी मैं इसमें मिला लूँगी। तो ऐसे भी मैं क्या करती हूँ, कुम अलग अलग निकाल लेती हूँ फिर उसे एक सार करती हूँ, पर इस बार मैंने ऐसा किया नहीं और मैंने कढ़ाई में ही एक साथ ही सबको फिर डाल दिया। अलग अलग भुनने के बाद एक साथ डाल दिया इस तरह, सूजी और भुने हुए मेवे को डाल के यहाँ एक सार कर लूँगी, मिला लूँगी अच्छे से। और उसके बाद मिलाने के बाद मैं इसे ना ठंडा होने रख दूँगी। ये देखिए, इस तरह मैंने सबको मिला लिया है। अब एक प्लेट में निकाल लूँगी, निकालने के बाद इसे ठंडा होने रख दूँगी। इस तरह ठंडा होने के बाद इसमें पिसी हुई चीनी डालूंगी। और मैं क्या करती हूँ ना, जब चीनी पीसती हूँ उसी टाइम इलायची को इसके साथ पीस लेती हूँ तो अच्छे से इसमें खुशबू मिल जाता है। तो यहाँ पिसी हुई चीनी और इलायची को मैंने डाल दिया है, डालकर इसे अच्छे से मिला लूँगी। स्पून की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया, मिलाकर साइड रख दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ मैदा लिया है, मैदे में मैंने देसी घी डाला है और इसे जो मोयन बोलते हैं ना, मोयन दिया मैंने घी का। मोयन देने के बाद इसे बहुत अच्छे से हाथों से मसल लूँगी। और मसलने के बाद फिर आपका सही मोयन पड़ा है कि नहीं ये पता करने का तरीका होता है, जब आप उसे मुट्ठी में बांध के देखेंगे ना तो बंध जाता है, तो समझ जाए आपका मोयन एकदम सही पड़ा है। और अगर वो टूटता है तो और मोयन की ज़रूरत है। फिर मैं क्या करती हूँ, ठंडे पानी से धीरे धीरे डाल डाल कर इसे गून लूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है ना, आटा गीला होने का डर रहता है, इसलिए मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर ही इसे गूंथती हूँ। इसे गूंथ कर एक अच्छा डो बना लूँगी। और उसके बाद मैं चली गई किचन से सारा सामान लेकर रूम में, और वहाँ मैंने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया है। और सामने मेरी बेटी है तो मैं उससे बातें भी कर रही थी, बातें कर करके मैं यहाँ गुजिया बना रही थी। और जिस टाइम मैं यहाँ गुजिया बना रही थी उस टाइम ना किचन में मेरा बेटा गुजिया को तल रहा था। फिर लास्ट में मैं चली गई थी, थोड़े बचे थे तो उसे कुछ और काम था सो वो चला गया, और उसके बाद मैं तलने लगी थी। ये इस तरह से मैं बनाती जा रही थी और मेरा बेटा किचन में तले जा रहा था, मैं यहाँ से बना बना कर उसे दिए जा रही थी।
ये थोड़े ही बचे थे तो मैं खुद चली गई थी उसके बाद किचन में, और फिर यहाँ ये दिख रहा पहले से तला हुआ, ये मेरा बेटा तल रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी लास्ट के थोड़े से तलने। गुजिया का क्या है ना, आप अगर फुल फ्लेम में तलोगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और खाने में भी अच्छा नहीं होता है। सो गुजिया को हमेशा ना सिम टू मीडियम फ्लेम में तलना होता है। सिम टू मीडियम फ्लेम में आप धीरे धीरे, टाइम बहुत लगता है, और अगर आप इस तरह से तलोगे ना तो गुजिया काफ़ी क्रिस्पी बन के निकलता है। इसका एक और भी है कि आप तलने के तुरंत बाद अगर डब्बे में भर के रख दोगे तो भी ये सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी खाने में। सो इसे क्या करना होता है ना, हवा के नीचे सुखाना होता है, सुखाना मतलब ठंडा करना होता है। तो हमेशा मैं बनाने के बाद इसे 2-3-4 घंटे तक मैं फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से ठंडी हो जाती है, फिर इसे मैं एयर टाइट डब्बे में भरती हूँ, तो ये काफ़ी दिनों तक अच्छी और क्रिस्पी रहती है।